मीडिया में जिस खबर की चर्चा सरेआम है, अधिकारी तारीफ में कसीदे गर रहे हैं और पंचायत के जिस फैसले को नजीर की तरह पेश किया जा रहा है, आखिर वो फैसला क्या है? उस फैसले की जमीनी हकीकत क्या है? फैसला कितना कारगर साबित हो रहा है और फैसले के बाद गांव का माहौल कितना बदल पाया है? आइए नज़र डालते हैं बीजीटी मीडिया की रिपोर्ट पर। ऐसे गांव में जो है क्या शादी ब्याह जुड़ेगी और क्या सोच के लड़की देंगे लोग? मेरे बच्चे खाने के चावल नहीं रखते, पैसे नहीं रखते मेरे पास में। जो शराब बेच रहा है और पी रहे हैं जाके चोरी से, तो क्या बोलते हैं कि हम उनकी पक्ष क्या? मैं दुखी हूँ, ये टोले पे शराब चालू है और दारू बंद नहीं हो रही है। यह तस्वीर बगदरा गांव की है। शाम का वक्त है, गांधी जी की प्रतिमा के पास युवाओं की टोली बैठी है और चर्चा उस फैसले की हो रही है, जिसकी चर्चा अखबारों के जरिए बालाघाट से लेकर कई गांवों में सुर्खियां बटोर रही है। चर्चा शराबबंदी की है, गांव में लगातार बिगड़ते माहौल पर लगाम कसने की है, नशे में सुप्त होते युवाओं के भविष्य की है और ये चर्चा उन महिलाओं की तकलीफ से भी जुड़ी है जो शराबी पतियों की वजह से रोजाना परेशान है, प्रताड़ित है और विचलित भी है। फैसला ग्राम पंचायत ने लिया है, फैसले का खुलकर स्वागत हो रहा है और महिलाएं अपनी परेशानी भी बता रही है। ये फैसला आज़ादी पर्व के दूसरे दिन यानी कि 16 अगस्त को सर्वसम्मति से पारित हुआ है। शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए युवाओं की समिति बनी है, बेचने वालों पर 50,000 का जुर्माना तय हुआ है और सूचना देने वालों के लिए 10,000 का इनाम भी मुकर्रर है। लेकिन समस्या ये है कि शराबबंदी के इस फैसले से गांव का माहौल अभी तक सुधरा नहीं है। कुछ लोग जरूर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, गांव की बेहतरी के लिए जरूरी बता रहे हैं, पर इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शराबबंदी के इस निर्णय को अभी तक नाकाम ही बता रहे हैं। ये ग्राम पंचायत बगदरा का मरारी टोला है और कहा जाता है कि यहाँ पर 16 अगस्त से पहले बड़ी संख्या में शराब की अवैध बिक्री हुआ करती थी और इसी की वजह से इस मोहल्ले का माहौल जो है लगातार ख़राब हो रहा था। लेकिन जब से पंचायत ने ये निर्णय लिया है, उसके बाद आखिरकार इस मोहल्ले का माहौल कैसा है और क्या यहाँ पर वाकई में इस निर्णय के बाद शराबबंदी हुई है या फिर नहीं हुई है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ परिवर्तन देखने मिल रहा है? जी नहीं, निर्णय पंचायत ने ठीक लिया है अपने द्वारा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है मोहल्ले में और गांव में, मरारी मोहल्ले में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। किस तरह का परिवर्तन आप देखना चाहते थे शराबबंदी के बाद? सर, शराब बंद होने के बाद अच्छा परिवर्तन आए, अपने घर परिवारों को सुख शांति बनाए रखे, यही हमारा निर्णय। तो क्या शराब अभी भी बिक रही है मोहल्ले में? जी हाँ, बिकती है। किसी की बहू नहीं है, किसी के लड़के बच्चे नहीं है, किसी की औरत नहीं आती, है परेशानी नहीं आती क्या है? अच्छा, ऐसा भी हो गया है यहाँ पे? भी हो गया। तो ये शराब की वजह से हुआ है? शराब की वजह से हुआ है, शराब की वजह से। अच्छा, घर में बता कुछ नहीं रहा, कहने गई औरत मारना, वो कहती थी कब तक रहूं? अभी बदमाशी नहीं किया, पोला पुली आ रहा है, अभी देखना आप घूमते रहे ना। तो पकड़ाओगे क्या? नहीं आप दारू? नहीं तो हम मिलेंगे, कोई दिखते देखेंगे तो पकड़ूंगी, तो बोलते ना तो बोलूँगी ना, कोई दिख जाए, कोई झूले देखते, कोई दिखते क्या क्या। पंचायत के इस फैसले से कुछ को परेशानी भी है और कुछ इसके पक्षधर भी है। जो पक्ष में है वो मिसाल बता रहे हैं, गांव की भलाई के लिए जायज बता रहे हैं, लेकिन जो खिलाफत में है वो गैर जरूरी बता रहे हैं और कुछ तो ऐसे भी है जो राजनीति के चश्मे से भी इस फैसले को देख रहे हैं। पंचायत के द्वारा निर्णय लिए लेने पे, लेकिन वही अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है, प्रशासन भी सख्ती से क्या है दिखा नहीं पा रहे अपने। शराब बंद होना चाहिए गांव की, गांव में परिवर्तन आना चाहिए, सुधार होना चाहिए, बात सही है, पर लोग मान नहीं रहे ना, पीने वाले तो पिएंगे और शराब अभी बिकच रही है चोरी छुप के, वो पूरी शराब बंद होना चाहिए। सही निर्णय नहीं है क्या? ये गलत है ना? हाँ, ये निर्णय गलत है। गलत क्यों है? यही तो बस पूछ रहा हूँ मैं, गलत क्यों है? आओ, गलत क्यों है बताइए जी, गलत क्यों है बताइए। मगर हम क्या बता सकते हैं, ये खुद सुधरना चाहिए ना पहले।
महिला सरपंच ये बताती है कि ये फैसला इसलिए भी जरूरी था क्योंकि गांव की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, गांव का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है और घरेलू विवादों के चलते महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। यह जरूरी इसलिए था कि आज छोटे छोटे बच्चे भी इस शराब से पीड़ित हो रहे हैं। हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ हम जा नहीं सकते और इसमें यह प्रयास अथक चलता रहेगा क्योंकि नवयुवक साथी है, सबका सहयोग है हमको कि यह जो पहल चला रहे हैं यह आगे तक चलेगी। मैं सबका सहयोग चाहती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति सामने आए, पूरा गांव का सहयोग होना चाहिए इसके लिए। यह पहल अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पूरे नवयुवक साथिया होना चाहिए, पंचायत परिवार साथ में होना चाहिए और बाकी महिलाएँ हैं वो भी हमारे साथ में होना चाहिए ताकि ये पहल आगे बढ़ाई जाए। कानून के नज़रिए से शराब की अवैध बिक्री अपराध तो है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अभियान भी खूब चलाती है, लेकिन क्या बगदरा पंचायत के इस फैसले पर पुलिस की नज़र होगी? क्या सामाजिक बुराई के विरुद्ध जारी इस लड़ाई में पुलिस स्वयं से होकर भी कार्रवाई करेगी? आखिर क्या है इसका जवाब? देखिए बालाघाट SP नागेंद्र सिंह का ये बयान। पहला प्रश्न जो पुलिस के सामने आता है वो ये आता है कि वैध और अवैध शराब के बीच में फ़र्क करना हमारे लिए एक चुनौती रहती है। यहीं पे हमें जो आम जन है वहाँ के गांव के नागरिक हैं उनका सहयोग यदि प्राप्त होता है तो निश्चित तौर पे पुलिस इसमें प्रभावी और समय से कार्रवाई कर सकती है। दूसरी बात है कि जो सूचना हमें प्राप्त होती है यदि वो समय से प्राप्त हो जाती है तो उस पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सकती है। इस संबंध में हम लोग हमारे अधीनस्थों को भी निर्देशित करेंगे। जो निर्णय वहाँ के ग्रामवासियों ने लिया है, जैसा कि आपको पता है कि शराब वैसे भी एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है, तो वो उस निर्णय में उनको जो समर्थन या सहायता हमारे यहाँ से चाहिए नियमानुसार हम उसको बिल्कुल उनको प्रदान करें। बहरहाल फैसला जो भी हो, जिन परिस्थितियों में लिया गया हो, इससे कुछ तो फर्क जरूर पड़ा है और उम्मीद भी यही की जा रही है कि अब शराबबंदी गांव में पूरी तरह से सफल हो। लेकिन सवाल ये है कि जब गांव वाले ही फैसले का साथ नहीं देंगे, शराब बेचने वालों को पकड़ने में मदद नहीं करेंगे और पुलिस का साथ नहीं मिलेगा, प्रशासन का सहयोग नहीं होगा, तो फिर कैसे शराबबंदी का ये फैसला कारगर सिद्ध होगा?